कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वसीम सैयद चार दिन से भूख हड़ताल पे बैठे हैं अनधिकृत बांधकाम को लेके, जिसे जिसके ऊपर मैं भी लगातार ट्वीट करते आ रहा हूँ। पर ये अंधेर नगरी बन गई, जिसकी बिल्डिंग नहीं चाहिए वो टूट जाती है और जिसको बिल्डिंग बनाने देनी है वो बराबर बनती है, क्योंकि थाना मुमरा का कमिश्नर कोई और है, मुंबई का मुमरा का पुलिस स्टेशन कोई और चलाता है। इसके कारण महानगर पालिका के ऑफिसर से कोई उम्मीद ही नहीं रही, ना तो पुलिस प्रशासन से कोई उम्मीद। इसके ऊपर भी झूठा केस बनवा देना, अर्जी पे केस बनवा देना, जो कभी मुमरा में हुआ ही नहीं था 14-15 साल में, वो सब देख रहा हूँ। मैं शांत बैठा हूँ, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि ज़्यादा लंबा जाना नहीं है हमको, जल्दी फैसला हो जाए और अगली सत्ता तो हमारी आएगी। मैदान नज़दीक है, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, जैसे पहले भी मैं कुछ नहीं बोलता था, लेकिन शहर शांत था। अब तो यात्राएं निकलती हैं, नाचते गाते जाते हैं, इसमें लोग शामिल भी होते हैं, जो मुमरा में कभी भी नहीं हुआ था वो गले एक साल में होने लगा। इसे मुमरा का माहौल खराब करने का काम कुछ लोग करना चाहते हैं। मैं शांत इसलिए बैठा हूँ क्योंकि मुमरा को मुझे शांत रखना है, मुझे मुमरा में कोई भी गलत चीज होने नहीं देनी, और जो गलत चीज करवाना चाहते हैं वो जानबूझकर करवाना चाहते हैं, क्योंकि मुमरा उनके हाथ में नहीं, लोग उनके साथ में नहीं। ठीक है, देखते हैं कितना दिन ये सब चलता है। क्या बाकी किधर है, दिखाओ ना मेरे को, प्लेग्राउंड गार्डन किधर बाकी है क्या? ये तो मैं आने के पहले ही खा चुके थे, ये तो वसीम सैयद भाई को अभी पता चला है। ये जो इधर के भाई दादा थे ये सब लोगों ने मेरे आने के पहले ही खा है। अब ये जितना बचा है उतना तो बचा के रखो, पर लेकिन महानगर पालिका को उसके बारे में बोलो तो भी ध्यान देने के लिए टाइम नहीं है। कौन पूछेगा? तुमको उम्मीद है क्या कोई आएगा, वसीम भाई क्या चालू है, हम देखते हैं जरा? कुछ नहीं, किसको कुछ पड़ी नहीं, बाड़ू पिछड़ तो बाजू में बैठता रहेगा ना 3 दिन के बाद। क्या पिछड़ से बिछड़े बोलो तो, अभी ये पहली बार आया ना, तो इनको पूछो ना शाखा के क्या हो रहा है ये बताएंगे। उनको पूछा ना, मेरे को क्या पूछा? क्या बोले वरिष्ठ डिसीजन चर्चा करो, यानी इसका मतलब है कि वरिष्ठ बोल रहे तोड़ो मत, क्या बोले वो? अब इनको हक पूछेगा क्या कोई भी अनधिकृत बांधकाम तोड़ने का? जाएंगे क्या वो, नोटिस देख पाएंगे क्या? तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि समान न्याय, एक को एक न्याय और दूसरे को दूसरा न्याय नहीं लग सकता है। अगर दिन रात वो शाखा बंद रही है और बिचारे पीछड़ क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, छोटा अधिकारी है। कहाँ गया मनीषपुरे मनीष जोशी, कहाँ गया गोदापुरे, और कहाँ गया अभिजीत बांगर? जरा पूछो, मुमरा वाले भी तो छोटे को घेरते हैं, बड़ों को छोड़ देते हैं। मेरा तो सपोर्ट, मैं पहले दिन से झगड़ रहा हूँ, मैं बिना सपोर्ट के झगड़ता हूँ, मैं सपोर्ट विपोर्ट के लिए जाता नहीं हूँ, अपनी लड़ाई ऐसी चालू रहती है। थैंक यू।